भाजपा अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी वासुदेव देवनानी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर सभी को बधाई दी। भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि अजमेर उत्तर से विधानसभा से पुनः वासुदेव देवनानी को टिकट मिलने पर विधायक कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। पंडित ने मंत्रोच्चार कर विधि विधान से पूजन करवाया। भाजपा उत्तर विधानसभा कार्यालय के उद्घाटन में शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर से विधानसभा के प्रत्याशी वासुदेव देवनानी, शहर अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व सांसद रासा सिंह रावत, एडीए चेयरमैन शिव शंकर हेड़ा और अजमेर महापौर धर्मेंद्र गहलोत सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वासुदेव देवनानी ने सभी को यही संदेश दिया कि हमें उत्तर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी की जीत के लिए हर एक होकर काम करना है। मंत्री देवनानी ने इसी जगह पर पिछले 3 बार भी उत्तर विधानसभा का कार्यालय बना था और इस बार भी इसी जगह कार्यालय का उद्घाटन किया, क्योंकि यह जगह देवनानी के लिए भाग्यशाली है। देखना अब यह होगा कि क्या मंत्री देवनानी को इस बार भी जीत मिल पाती है या नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के अजमेर उत्तर का कार्यालय हमने नसिया जी के सामने प्रारंभ किया है। गणेश जी की स्थापना करके सारे कार्यकर्ताओं के मध्य एक अति उत्साह और ऊर्जा के साथ आज श्री गणेश किया है। यह कार्यालय निश्चित रूप से एक सेतु का काम करेगा। सारे कार्यकर्ताओं को जहाँ कार्यक्रम की जानकारी मिलेगी, वहाँ पे आपको सामग्री और बाकी का भी निश्चित रूप से समन्वय स्थापित हो सकेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह है और नामांकन के बाद जिस तरह से वार्डों का दौरा हो रहा है और जनता का जो एक अपार स्नेह और आत्मीयता और समर्थन मिल रहा है, वो लगता है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। क्योंकि अजमेर में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक ही मुद्दा कहते हैं 15 साल से विधायक हैं, लेकिन उस दौरान इस 5 साल के अंदर जो काम किए शायद उनको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता को नज़र आ रहे हैं। और उसके पहले 5 साल जब केंद्र में और राजस्थान में सरकार थी, विधायक भले ही मैं था, लेकिन क्यों भूल जाते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन की सरकार थी, उस समय अजमेर के लिए एक पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया और हमने आके 800 करोड़ के काम करवाए हैं। ये शायद आम जन को तो ध्यान है, लेकिन जनता को भ्रमित करने की कांग्रेस जो प्रयत्न करी है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कल उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा, शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर भी थी, मैं चुनौती देता हूँ कि नसीम अख्तर बताए कि उनके कार्यकाल में अजमेर के शिक्षा में क्या हुआ और हमारे पिछले 4.5 साल के अंदर शिक्षा के अंदर क्या हुआ। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।